वैसे तो मिथ्या शब्द का अर्थ जैसा साधारण लोग समझते हैं वैसा वेदांत ग्रंथों में नहीं है। मिथ्या माने बिल्कुल न होना नहीं होता है, मिथ्या माने दिखता रहे, मालूम पड़ता रहे, उसमें व्यवहार होता रहे, लेकिन वो इतना हल्का फुल्का है कि गंभीरता से ध्यान देने योग्य, फंसने योग्य नहीं है, ऐसा समझना। वेदांत ग्रंथों में मिथ्या शब्द का दो अर्थ माना हुआ है। मिथ्या शब्दों अनिर्वचनीयता वचन अपहनव वचनश्च, मिथ्या शब्द का अर्थ होता है कि दृष्टा से पृथक उसकी सत्ता नहीं है, पृथक प्रतीत होता है, और अनिर्वचनीय है माने कोई इसका निरूपण करने लगे तो किसी भी एक रूप में इसका निरूपण नहीं किया जा सकता। तो सामान्य व्यवहार में मिथ्या शब्द का जैसा अर्थ होता है उसको आप ठीक ठीक समझें। यह मिथ्या भाषण करते हैं तो भाषण नहीं है, यह अभिप्राय नहीं है। भाषण में जिस अर्थ का निरूपण किया गया है वो अर्थ सच्चा नहीं है, इसलिए भासमान होने पर भी अपने अधिकरण में न होना, भासमानत्वे सति स्वभावाधिकरणत्वं मिथ्यात्वं, स्वभावाधिकरणे भासमानत्वं मिथ्यात्वं। तो मिथ्या शब्द का ये अर्थ बिल्कुल होता ही नहीं कि मालूम न पड़े, मालूम पड़ता है। अब आप देखिए अपने संबंध को, आप एक व्यक्ति हैं, कौन हैं, पुत्र हैं, कहा अपने पिता के पुत्र हैं, अच्छा पिता हैं, कहा अपने पुत्र के पिता हैं, तो दादा है तो पौत्र के दादा है, नाना है तो दौहित्र के नाना है, भाई है कहा बहन के भाई है। अब आप बताओ बुआ के कौन है तो भतीजे है, आप तो एक व्यक्ति हैं, इतने कैसे हो गए? तो एक ही व्यक्ति में इतने संबंधों का होना व्यक्तित्व की दृष्टि से वो ठीक नहीं है, लेकिन कल्पना की दृष्टि से ये बिल्कुल ठीक है। इसी प्रकार अनादि में, अनंत में, अखंड में, अनादि में आदि दिख रहा है, अनंत में शांत दिख रहा है, अखंड में खंड दिख रहा है, तो अखंड से पृथक उसको मान करके उसमें फंस जाना ये मिथ्या का अर्थ होता है। क्या जो लोग मिथ्या समझते हैं उनका शरीर नहीं होता, मर जाने पर मिथ्या कहते हैं? तो नहीं भाई, शरीर होते हुए भी हिसाब लगाओ आप। अच्छा आप बैठे हो, एक दृष्टि देखो, आप कहां बैठे हो, ऊपर के नीचे बता दो, कहीं से नीचे बैठे हो कहीं से ऊपर बैठे हो, ऊपर हो कि नीचे? अच्छा आप दक्षिण हो कि उत्तर, किसी से दक्षिण हो किसी से उत्तर हो, किसी से पूर्व हो किसी से पश्चिम हो? अच्छा अनंत आकाश में आप कितने फुट के हैं, अनंत
काल में आप कितने क्षण के हो, अनंत विस्तार में आपकी लंबाई चौड़ाई कितनी है, अनंत सत्ता में आपका वजन कितना है, ये सब का सब अनिर्वचनीय होता है। जो लोग निर्वचन का दावा करते हैं उनको हमारे दर्शन शास्त्र के विद्वानों ने खूब खूब सबक सिखाया है। इसलिए संसार में कहीं फंसने योग्य नहीं है, आसक्ति करने योग्य नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण सन्मात्र चिन्मात्र आनंद मात्र अद्वितीय अपना आत्मा है, इसका बोध कराने के लिए प्रपंच का निषेध किया जाता है। और सो भी जिसके हृदय में राग द्वेष है वो प्रपंच के मिथ्यात्व को समझ भी नहीं सकता है, उसको समझने के लिए भी अधिकारी की आवश्यकता होती है। और समझ जो दिख रहा है उसके द्वारा नहीं होती, जिस कारण से देखा जा रहा है उसके द्वारा भी नहीं होती है, जो देख रहा है उसकी अद्वितीयता के बोध से मिथ्यात्व होता है। इसलिए आप व्यवहार में बिल्कुल मिथ्यात्व न बरतें, धर्म के अनुसार आचरण करें, अधर्म का परित्याग करें, और धर्म अधर्म से विलक्षण जो परमात्मा है उसके अनुभव के अपने को योग्य बनावे। अन्यत्र धर्मात् अन्यत्र अधर्मात् अन्यत्र च कृता कृतात्। नारायण, अपनी योग्यता बढ़े और उसका सदुपयोग हो, और मन में जो स्वार्थ है कामना है वो कम होती जाए, और अहंकार घट जाए। तीन बात आपके जीवन में आवे, आप अपनी योग्यता का ठीक ठीक सदुपयोग कीजिए और अपने को निस्वार्थ निष्काम रखने का प्रयास कीजिए, और अभिमान इस पूर्णता में इस अनंतता में इस अनादिता में इस अखंडता में किसी परिच्छिन्न वस्तु को खंड वस्तु को मत पकड़िए। मैं मेरा मत कीजिए, ये मैं मेरा मिथ्या है। अहंता ममता लक्षण संसार है, कर्तृत्व भोक्तृत्व लक्षण संसार है। तो मिथ्या शब्द का वैसा अर्थ नहीं है कि सर्वथा अलीक हो, वो किसी को मालूम ही न पड़े, वो मिथ्या नहीं है। जो मालूम पड़ता हुआ भी अपने को बड़ा महत्वपूर्ण खड़ा करके हमको फंसा लेता है, दबा देता है, हमारी शक्ति को क्षीण कर देता है, हमारे ज्ञान को का लोप कर देता है, हमारे आत्म सुख को दबा देता है, उसका नाम मिथ्या है। ओम शांति।